इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं, इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं, बस दौड़ती फिरती रहती है, हमने तो कभी ठहरते देखा नहीं। हेलो व्यूअर्स, राम रिसर्च क्लासेस के माध्यम से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक मैथ से है और मैथ का जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क उससे रिलेटेड है। आज हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही आसानी तरीके से। ये जो क्वेश्चन है प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है प्रत्येक रेलवे SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं बैंक सभी में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि मोहन और सोहन किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, मोहन उस काम को अकेला 10 दिनों में पूरा करता है, तो सोहन उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन हमारा है कि कोई भी दो व्यक्ति है वो किसी काम को मिल करके कर रहा है, वो व्यक्ति है मोहन और सोहन, कि जब दो व्यक्ति किसी काम को मिल करके पूरा कर रहा है तो दोनों 6 दिनों में पूरा कर रहा है। अगर उसमें से एक व्यक्ति अकेला उस काम को कर रहा है तो 10 दिन लगा रहा है, मोहन जो है 10 दिन लगा रहा है। अब इसमें से एक व्यक्ति बच रहा है, अगर वो व्यक्ति अकेला उस काम को करता है तो वो व्यक्ति कितना टाइम लगाएगा। हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन का हम लोग टाइप समझ लेते हैं कि कोई भी काम है उसमें से उस काम को दो व्यक्ति मिल के कर रहा है, तो दो व्यक्ति जब उस काम को मिल के कर रहा है तो कुछ न कुछ टाइम लगता होगा, तो यहाँ पर 6 दिनों का समय लग रहा है। अब उसमें से एक व्यक्ति अगर अकेला उस काम को करेगा तो दो व्यक्ति मिल करके अगर काम कर रहा है तो कम दिन लगेगा, अगर उसमें एक व्यक्ति अकेला काम करेगा तो पहले जितना भी टाइम लग रहा था उससे ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए है कि एक व्यक्ति मोहन अकेला काम कर रहा है तो 6 दिन लग रहा है। अब कोई व्यक्ति जब किसी काम को कर रहा है दो व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति है अधिक काम करता होगा, कोई कम काम करता होगा, तो अब इसमें से मोहन उस काम को 10 दिनों में पूरा कर रहा है, अब जो दूसरा व्यक्ति बच रहा है वो कितने दिनों में पूरा करेगा, इसके लिए हम लोग ट्रिक बनाएंगे। अब मान लेते हैं कि दो व्यक्ति है मोहन और सोहन, ये काम कर रहा है 6 दिनों में, अब मोहन है वो काम अकेला कर रहा है 10 दिनों में, अब एक व्यक्ति बच रहा है वो अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो बहुत ही आसान है कि दो व्यक्ति मिल करके जितने भी दिनों में काम को पूरा कर रहा है हम लोग उसका गुना कर देंगे जब अकेला व्यक्ति जितना टाइम लगा रहा है उससे। अब दो व्यक्ति काम को 6 दिनों में पूरा कर रहा है, अकेला व्यक्ति 10 दिनों में पूरा कर रहा है, तो हम दोनों टाइम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अकेला टाइम ले रहा है वो और दोनों मिल के टाइम ले रहा है वो। अब हमें दूसरा व्यक्ति का निकालना है यहाँ पर कि सोहन उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो अकेला टाइम ले रहा है 10 दिन यहाँ पर मोहन, उसको हम लोग दोनों मिल करके 6 दिन का टाइम ले रहा है उससे गुना कर लेंगे। इसके बाद जो बड़ा टाइम है उसमें से छोटा टाइम को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे और क्वेश्चन हमारा बन के तैयार है। हम लोग ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 60 हो जाता है, इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4 हो जाता है, अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो 15 निकल जाता है। तो अगर उस काम को सोहन अगर अकेला करना चाहता है तो 15 दिनों में करेगा। मैथ का ये ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।